ये स्टूडेंट्स, हम लोग करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर हमारा, जिसका नाम है कम्बशन एंड फ्लेम। कि कम्बशन क्या होता है, फ्लेम क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। जो कम्बशन वर्ड है, इसका मतलब है किसी भी चीज का जलना। ओके, कि कौन सी चीज कम्बस्टेबल है, जलने योग्य है या नहीं जलने योग्य है, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है फ्लेम। फ्लेम क्या है, जैसे आप ऐसे दिवाली पे जलाते हो ना कैंडल्स, उसकी ये वाली जो चीज होती है, ये इसे बोलते हैं हम फ्लेम। ओके, या फिर दिया जगाते हो, दिए की भी ये वाली चीज, इसे क्या बोलेंगे हम, फ्लेम बोलेंगे। कि ये चीजें जो फ्लेम के साथ जल रही हैं। ओके, तो हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टार्ट करने से पहले हम उसकी समरी करेंगे, थोड़ी समरी। समरी क्या होती है, किसी भी चीज को जब हम स्टार्ट करने से पहले उसको थोड़ा शॉर्ट में जान लें कि उस चैप्टर के बीच में क्या बात हुई है। तो इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे, कम्बशन के बारे में जानेंगे कि कौन सी चीजें कैसे कम्बशन करती हैं, कैसे जलती हैं। फ्यूल्स हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप के, जैसे आप घरों में कौन सा फ्यूल यूज करते हो, व्हीकल्स में कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है, ऐसे ही इंडस्ट्रीज में कौन सा यूज हो रहा है, कि कौन से काम के लिए हमें किस टाइप के फ्यूल की जरूरत पड़ती है, वो फ्यूल देखने में कैसा होता है, अपीयरेंस कैसी है उसकी, उसका नेचर कैसा है, उससे हमें क्या नुकसान है, कौन से फ्यूल के हमें क्या फायदे हैं, हर एक चीज के बारे में हम डिटेल में चैप्टर को बाद में करेंगे, पहले हम उसकी समरी करेंगे। ओके, कुछ कीवर्ड्स हैं कि जैसे फ्लेम क्या होती है, कम्बशन क्या होता है, डिफोरेस्टेशन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ओके, इन टर्म्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, ताकि जब हम चैप्टर करें हमें चैप्टर में इन वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो कि एक बोल क्या रहा है। ओके, अंडरस्टैंड, लेट अस स्टार्ट नाउ समरी। तो देखिए, सबसे पहले इसमें है सब्सटेंस विच बर्न इन एयर आर कॉल्ड कम्बस्टेबल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कम्बस्टेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, या फिर कम्बशन क्या होता है, कम्बशन का अभी आप इजी सा मीनिंग समझ लीजिए, कम्बशन का मतलब होता है जलना, और कम्बस्टेबल सब्सटेंस वो होते हैं जो हवा प्रेजेंट होती है हर जगह, मोस्टली हर जगह हवा प्रेजेंट होती है, हवा नहीं होगी तो हम लोग वहाँ पर नहीं रह सकते। तो कम्बशन होता है हवा की प्रेजेंस में किसी चीज़ का जलना, और जो सब्सटेंस जल सकता है वो कम्बस्टेबल होता है। जैसे कि आपकी लकड़ी है, लकड़ी जल सकती है तो लकड़ी कम्बस्टेबल हो गई। लोहे को जलने में तो भाई बड़ी ही दिक्कत आएगी, है ना, तो लोहा कम्बस्टेबल नहीं हुआ। तो एक एग्जांपल कम्बस्टेबल का आपका वुड हो गया। ऑक्सीजन इज असेंशियल फॉर कम्बस्टन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कम्बस्टन के लिए। देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, एक तो होती है ऑक्सीजन, दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है एक फ्यूल होना चाहिए, जिस चीज़ को आप जला रहे हैं वो भी तो प्रेजेंट होना चाहिए, और सोर्स ऑफ इग्निशन। आपके वुड में ऐसे रखे रखे तो आग नहीं लग जाती, आप माचिस से जलाते हैं, किसी तरीके से उसको जलाते हैं तब उसमें आग लगती है। तो सब्सटेंस होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए, और हवा में ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूर होनी चाहिए, तभी कोई चीज़ जल सकती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्बशन हीट एंड लाइट आर गिवन आउट। अब जब कम्बशन होता है, जब कम्बशन किसी चीज़ में हो रहा होता है, कोई चीज़ जल रही होती है, तो हीट निकलती है उसमें से, गर्मी निकलती है, और चमक निकलती है, लाइट निकलती है। इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ कम्बस्टेबल सब्सटेंस कैचेस फायर। तो भाई ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस जलना शुरू हो जाता है। देखिए, आप माचिस में भी को ऐसे आप पकड़ेंगे तो दिया, जैसे कि अगर आप लोगों ने लगाया होगा अपने मंदिर में कभी, तो आपने देखा होगा कि पहले घी लगाएंगे, रुई पे पहले घी लगाया जाता है, फिर उसके बाद माचिस जलाई जाती है, फिर कई बार क्या होता है थोड़ा सा टाइम लग जाता है जलने में। तो जब तक इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं हो पाता, तब तक वो चीज़ जल नहीं सकती है। तो इग्निशन टेम्परेचर ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर है एट विच कम्बस्टेबल सब्सटेंस कैचेस फायर। मतलब जैसे सपोज करिए कि किसी चीज़ का इग्निशन टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस से कम अगर टेम्परेचर होगा तो वो सब्सटेंस नहीं जलेगा। तो कहाँ से जलना स्टार्ट हो जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस से सपोज करिए कोई सब्सटेंस जलना शुरू हो गया है, उससे आगे के टेम्परेचर पे वो जल सकता है, मगर वो 11 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं जलेगा अगर उसका इग्निशन टेम्परेचर 12 है। तो इग्निशन टेम्परेचर होता है लोएस्ट, सबसे कम ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ जलनी स्टार्ट हो जाए। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। तो कोई चीज़ जो बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाए, मतलब जैसे कि आप कागज़ को आपने अगर
जैसे कि आपने एक हाथ में काफी ऊंचाई पे कागज पकड़ा हुआ है और नीचे से आपने तिल्ली जला दी, तो बहुत ही चांसेस हैं कि वो फटाफट से कागज जलने लगेगा। तो कागज का जो है इग्निशन टेम्परेचर लो है, इसलिए पेपर क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, और जो सब्सटेंस बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं उन्हीं को हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस और लो इग्निशन टेम्परेचर सब्सटेंस, जो एकदम फटाफट से बहुत ही जल्दी जलना शुरू कर देते हैं और बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं, वो होते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। नेक्स्ट है इसमें, फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट्स असेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। तो फायर को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फायर को आप कंट्रोल कर सकते हैं कोई भी चीज़ जो जलने के लिए ज़रूरी है उसको हटा करके। जैसे कि अगर टेम्परेचर आपने कम, इग्निशन टेम्परेचर से आप कम टेम्परेचर ले आए तो जलना बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दी तो जलना बंद हो जाएगा, फ्यूल हटा दिया तो जलना बंद हो जाएगा। ये पूरा हम चैप्टर में देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्यों भरी हुई होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पर ज्यादा हो जाएगी वहां ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन कम हो जाती है तो फ्यूल जो जल रहा होता है ना उसको तो ऑक्सीजन चाहिए, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो चीज जो जल रही होती है ना वो जलना बंद हो जाती है। ये हो गया कि जो फैक्टर्स, अगर एक भी फैक्टर्स हटा दिया जो एसेंशियल है प्रोड्यूस करने के लिए फायर, तो क्या होगा, फायर बुझनी, मतलब फायर जो है बुझ जाएगी, आग बुझ जाएगी। वाटर इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल फायर, वाटर को ज़्यादा कहते हैं ना कि आग लग गई पानी फेंक दो बुझ जाएगी। तो देखिए जब भी इलेक्ट्रिकल चीज़ पे आग लगती है ना तो पानी नहीं फेंकना चाहिए, बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पानी ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। वाटर कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और ऑयल्स। तो देखिए अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, जैसे कि मान लीजिए किसी के, सपोज करिए ना हो भगवान करे ऐसा, मगर किसी के घर का जो मीटर है उसमें आग लग गई, तो कभी भी पानी नहीं फेंकना चाहिए। अगर पानी फेंकेंगे तो आग, आप जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आप मतलब किसी पर्सन को कैच कर सकती है जो वो पानी फेंक रहा है, और वो इंस्ट्रूमेंट भी खराब होगा और आग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसी जगह पर जहाँ पर जैसे तेल की वजह से आग लगी हो तो वहाँ पर भी पानी नहीं फेंका जाता है, क्योंकि पानी जो है ना वो तेल के ऊपर जमा हो जाएगा। मतलब जैसे कि आप पानी, आप ग्लास में ना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ग्लास में दो चार बूंदें पानी की डालिए तो पानी की बूंदें ऊपर तैरने लगती हैं। तो अगर आप जहाँ पर ऑयल की वजह से आग लगी होगी वहाँ पर क्या होगा, पानी आप डालेंगे तो पानी के ऊपर ऑयल की बूंद तैरने लगेगी और आग तो ऑयल तो वहीं पर रहेगा तो आग नहीं बुझ पाएगी। ऐसे केसेस में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और सैंड इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं आग को बुझाने के लिए। अब देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंबशन सच एज रैपिड कम्बशन, स्पॉन्टेनियस कम्बशन और एक्सप्लोजन एक्सेट्रा। कई सारे तरीके के कम्बशन होते हैं, कई सारे तरीके से चीज़ें जलती हैं। एक तो होता है रैपिड कम्बशन, एकदम से मतलब बहुत ही फटाफट से जल जाना, और होता है स्पॉन्टेनियस मतलब जो चलता रहता है, और एक्सप्लोजन मतलब भट्ट करके हो गया ना, जब फूट जाता है तो वो एक्सप्लोजन होता है। देर आर थ्री डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम, डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन और नॉन ल्यूमिनस जोन। तो देखिए कोई भी चीज़ जब ल्यूमिनस होती है तो ल्यूमिनस चीज़ का मतलब होता है उसमें से लाइट निकल रही है। आपके एक रूम की ट्यूब लाइट, हमारा जो अर्थ का सन है, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ ल्यूमिनस सब्सटेंसेस हैं। तो जो फ्लेम होती है ना, जैसे कि सपोज करिए ये है, तो एक जोन इसमें ल्यूमिनस होता है जिसमें से हमें रोशनी दिखती है, एक उसमें डार्क जोन भी होता है जिसमें से कोई रोशनी नहीं होती, और एक होता है ऐसा जोन जिसमें मतलब बहुत कम रोशनी होती है, और एक होता है जिसमें बिल्कुल रोशनी नहीं होती, और एक होता है ल्यूमिनस जोन जिसमें काफ़ी ज़्यादा रोशनी होती है, उसी की वजह से फ्लेम में से हमें रोशनी दिखाई पड़ती है। अब देखिए एक आइडियल फ्यूल कैसा होगा, एक जो अच्छा फ्यूल होगा वो कैसा होगा। आइडियल फ्यूल जो होता है वो सस्ता होता है, बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है, ईजिली उसको आप जला सकते हैं, आप ईजिली कहीं पर उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो, और वो जो है अपने साथ फालतू की गैसेस ना छोड़े और पोल्यूशन ना करे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, देखिए कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि एक फ्यूल में कितनी ताकत है जलने की, मतलब आप कम से कम फ्यूल में कितना उसको ज़्यादा से ज़्यादा जला सकते हैं, वो होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। आप सरसों का तेल डाल करके क्यों पेट्रोल नहीं चला, मतलब
गाड़ियों में आप सरसों का तेल या रिफाइंड क्यों नहीं डाल के चला लेते, क्योंकि उनकी क्या है कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होती है और पेट्रोल की डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि कितनी ज़्यादा एनर्जी वो ऑयल प्रोवाइड कर सकता है, वो होती है कैलोरीफिक वैल्यू, आई एम सॉरी। हाँ, तो ये हो गया कि एक आइडियल फ्यूल की डेफिनेशन क्या होगी। आइडियल फ्यूल चीप होगा, चीप का मतलब होता है सस्ता होगा, रेडिली अवेलेबल होगा, आसानी से आपको मिल जाएगा, रेडिली कंबस्टेबल होगा, आसानी से आप उसको जला सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी आसान होगा, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करेगा, रेसिड्यू होता है जैसे कि जलने के बाद जो फालतू एक्स्ट्रा चीज़ छूट जाती है वो रेसिड्यू होता है, पोल्यूट नहीं करेगा, तो वो एक आइडियल फ्यूल होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है फ्यूल डिफर इन देयर एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। फ्यूल जो है उनकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है और कॉस्ट भी अलग होती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सरसों का तेल और पेट्रोल बहुत अलग है, उनकी कॉस्ट भी अलग है। एफिशिएंसी होता है कि कितना ज़्यादा वो यूज़ किया जा सकता है उस चीज़ को, कितना अच्छे से वो जलेगा। फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू विच इज एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ किलो जूल पर केजी। तो कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होती है वो किलो जूल पर केजी होती है। ठीक हो गया हमारा ये कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो क्या होता है। अब नेक्स्ट आता है टर्म अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स इन द एयर आर डेंजरस पोल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे जो जलते नहीं हैं और हवा में ऐसे घूमते रहते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए, हमें सांस लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल गिव्स पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट कम्बशन जब किसी फ्यूल का होता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उस केस में प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आता है इसमें इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर हैज़ बीन लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। बहुत देखिए, मैंने आपको आपके आगे वाला चैप्टर है इसमें भी मैंने आपको बता रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ती है ना तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है, मतलब दुनिया गर्म होने लगती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो सन की रेज को अपने अंदर कैप्चर करके रखती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का काम ही है हमारी अर्थ को गर्म रखना। अब आप कहेंगे तो बड़ी बेकार बात है, देखिए बेकार बात नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है मगर उसकी 0.003% के लिए वो ज़रूरी है, बट उसका जो अमाउंट है ना वो बढ़ रहा है हवा में। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो हमारी अर्थ बर्फ़ का गोला बन जाएगा और हम उस पर रह नहीं पाएंगे, बट अब क्या हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ रहा है। तो जितना ज़्यादा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ेगा उतनी ज़्यादा वो सनलाइट को अपने अंदर कैप्चर कर पाएगी और अर्थ वार्म हो रही है, इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ये देखिए, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ कोल डीजल एंड पेट्रोल कॉज एसिड रेन विच इज़ हार्मफुल फॉर क्रॉप्स बिल्डिंग्स एंड सॉइल। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एसिड रेन है वो किसकी वजह से होती है, तो आप बिल्कुल दिमाग में बसा लीजिए, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आपको रट लेना है कि इसकी वजह से होता है जो एसिड रेन होती है ना, तो इसमें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है, आप जो व्हीकल्स चलाते हैं पेट्रोल से डीजल से कोयला बर्न किया जाता है, ये क्या होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन जब पानी के साथ मिलते हैं तो ये क्रॉप्स को, हमारी फसलों को, बिल्डिंग्स को, ज़मीन को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, एसिडिटी बढ़ा देते हैं चीज़ों की और इसी को हम एसिड रेन कहते हैं। तो ये देखिए, इसका समरी का एक्सप्लेनेशन हो गया है, चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें हमारा, हमने समझ लिया है कि क्या है चैप्टर में। देखिए पहला ही टर्म मैंने आपको एसिड रेन भी बता दिया क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू मैंने बता दिया आपको, कंबशन का मतलब होता है जलना, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों की कटाई, एक्सप्लोजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का तेज़ी से फट जाना, और फ्लेम का मतलब होता है आग की जो लट होती है ना, लपटे जो होती हैं वो फ्लेम होती है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो फायर को काबू करने के काम आता है, फायर को रोकने के। फ्यूल होता है ऐसी कोई भी चीज़ जैसे कि पेट्रोल डीजल और वुड जैसे हम चीज़ों को जला सकते हैं, जिसकी हेल्प से जलाया जाता है। फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब होता है कितना ज़्यादा वो फ्यूल अच्छा है, कितना ज़्यादा वो जल सकता है, कितना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, एनर्जी प्रोडक्शन कितना ज़्यादा करता है, वही होती है फ्यूल की एफिशिएंसी। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग अर्थ
जो हमारी गर्म हो रही है ना, यही ग्लोबल वार्मिंग है। सब मैंने आपको टर्म्स बता दिया। आइडियल फ्यूल हमने देख लिया था, जो चीप हो, जो इजीली अवेलेबल हो, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो, जो पोल्यूशन कम करे, वो आइडियल फ्यूल है। इग्निशन टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच फ्यूल स्टार्ट टू बर्न, कम से कम टेम्परेचर जिस पर फ्यूल बर्न करना स्टार्ट कर देता है, वो इग्निशन टेम्परेचर होता है। हमने सब देख लिया है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं, देखिए ये सारे के सारे जो टर्म्स है ना, हम यहाँ पर समझ चुके हैं। देखिए ये रहा, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, जो बड़ी जल्दी जलने लगते हैं। तो और कम्बस्टन क्या होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। सब्सटेंस विच बर्न इन एयर, जो एयर में बर्न कर सकते हैं, वो कम्बस्टेबल सब्सटेंस होते हैं। सारी चीज़ें जो हमारे कीवर्ड्स में हैं वो हमने समझ ली हैं। ये स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने इस चैप्टर की समरी के बारे में जाना कि समरी क्या है, क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसके कुछ कीवर्ड्स को देखा कि किस कीवर्ड के अंदर क्या बोला हुआ है, उसका क्या मीनिंग निकल रहा है, एक एक लाइन जानी है उसके बारे में। बट इन डिटेल हम लोग चैप्टर को, जैसे हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, डिटेल में चैप्टर करेंगे। जैसे नेक्स्ट हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, तो जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसमें आपको इस चैप्टर की डिटेल मिल जाएगी। ओके, तब तक आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को अच्छे से देख के जो भी कीवर्ड्स हैं उनको लर्न करेंगे। ओके?